नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमित सालकर है। मैं इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हूँ ऑरियस मेडिकल हॉस्पिटल नागपुर में। क्योंकि हम हार्ट रिदम एरिथमिया वीक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो रिदम एबनॉर्मलिटी बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक तो दिल की गति तेज हो सकती है या फिर दिल की गति स्लो हो सकती है। दोनों ही चीज़ों में कभी कभी ये हानिकारक होता है और जानलेवा भी हो सकता है। तो दिल की धड़कन तेज होना, यानी जब दिल की धड़कन 100 और 120 के ऊपर होता है, उसको अपन एबनॉर्मली हाई रिदम बोलते हैं। और जब अपना दिल का हार्ट रेट जो रहता है वो 60 से नीचे रहता है, वो भी अपन एबनॉर्मल घोषित करते हैं। अगर हम लक्षण की बात करें तो रिदम एबनॉर्मलिटी के वजह से आपको चक्कर आके गिर सकते हो, आपको अस्वस्थ महसूस हो सकता है। कुछ पेशेंट्स बोलेंगे कि हमें दिल की धड़कन तेज महसूस हो रही है, दिल जोरों से धड़कता है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। और कुछ लोग चलते चलते अचानक से गिर जाते हैं, और उसमें से कुछ तकदीर वाले रहते हैं जो वापस आ जाते हैं। दिल की धड़कनों का ये अनियमितता जो है, ये पर्टिकुलर किसी भी एज कैटेगरी में हो सकती है या पर्टिकुलर किसी एज कैटेगरी में होती है? तो ये एबनॉर्मलिटी कोई भी एज में हो सकती है, वो छोटे बच्चे से लेके एल्डरली तक सारे एज में देखी जा सकती है। एल्डरलीज में अगर देखा तो स्लो हार्ट होके जो चक्कर आके गिरते हैं, उसमें जो इलाज होता है, जैसे पेसमेकर, यूजुअली आपने सुना हो तो पेसमेकर एक इलाज है उसके लिए, जहाँ पे स्लो हार्ट बीटिंग हो। जहाँ पे फास्ट हार्ट बीटिंग है उसके लिए भी अलग इलाज दवाइयाँ रहती है। अगर हम जांच करने की बात करें, डायग्नोस करने की बात करें, तो हृदय की गति में अनियमितता है, ये कैसे मतलब जांच कर सकते हैं, डायग्नोस किस तरह कर सकते हैं? बेसिकली जब डायग्नोसिस की बात आती है तो अधिकतर पेशेंट को मालूम ही नहीं होता है कि अपने यहाँ पे हार्ट में कोई प्रॉब्लम है या अपने दिल की गति स्लो या फास्ट है। बहुत बार कुछ लोग रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं, रूटीन ईसीजी निकालते हैं, और उसमें उनको ध्यान में आता है कि नहीं, अपने को हार्ट रिदम एबनॉर्मलिटी का प्रॉब्लम है। कुछ लोग उनको दिल की धड़कन तेज होने का महसूस होता है, जिसे वो बोलते हैं कि हम तेज चलने के बाद में दिल में पाल्पिटेशंस महसूस करते हैं, या फिर जब हम कुछ काम करते हैं और दिल की धड़कन तेज होने के बाद हमको चक्कर सा महसूस होता है। ये सब एबनॉर्मल चीज़ है, और जब ये एबनॉर्मल चीज़ होती है तो आपने कार्डियोलॉजिस्ट को जाके सलाह लेना चाहिए, और कार्डियोलॉजिस्ट आपको विविध प्रकार की जांच बताएंगे, जैसे कि ईसीजी, इको। फिर उसके अलावा रिदम एबनॉर्मलिटी पकड़ने के लिए स्पेशल टेस्ट रहते हैं, जैसे कि हॉल्टर टेस्ट। तो हॉल्टर टेस्ट बेसिकली क्या है, आपको एक मशीन लगाई जाएगी, वो मशीन लगा के आपको एक दिन, दो दिन, कुछ कुछ पेशेंट्स के लिए हम लोग 7 दिन भी बोलते हैं। तो ये मशीन लगा के आपको रूटीन एक्टिविटीज़ करनी है, और रूटीन एक्टिविटीज़ करने के बाद में मशीन आपका दिल का जो रिदम है वो स्टोर करेगा, और फिर मशीन निकालने के बाद में वो जो पूरा रिकॉर्डिंग है 7 दिन का, वो डॉक्टर गो थ्रू करेगा और आपको बताएगा कि एबनॉर्मलिटी है या नहीं है। सपोज किसी को अगर ये हृदय की गति की अनियमितता अगर नजर आ जाती है, और उपचार संदर्भ में अगर बात करें, तो उपचार संदर्भ में उपचार किस किस तरह के उपचार पद्धति मौजूद है? एरिथमिया की अगर बात करें तो डेंजरस एरिथमिया रहता है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तीसरा डेंजरस एरिथमिया है जिसमें हार्ट बीटिंग स्लो होता है, जिसको अपन बोलते हैं कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। बट इन तीनों के अलावा मोस्ट कॉमन एरिथमिया जो अपन रेगुलर में देखते हैं, उसको बोलते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। अब एट्रियल फिब्रिलेशन क्या है? एट्रियल फिब्रिलेशन में हार्ट की गति
कभी स्लो होती है कभी फास्ट होती है, और जैसे घड़ी नियमित रूप से बराबर हर सेकंड पे चेंज होता है, तो एट्रियल फिब्रिलेशन में हार्ट बीटिंग इरेगुलर हो जाता है, तो कभी स्लो या कभी फास्ट। और ये कोऑर्डिनेशन जब डिस्टर्ब होता है हार्ट में, तो अपना ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो प्रॉपरली नहीं होता है, वो स्टैग्नेंट होता है, उसके वजह से हार्ट के अंदर कभी कभी ब्लड क्लॉट्स बनते हैं, और इन ब्लड क्लॉट की वजह से कुछ पेशेंट्स को स्ट्रोक भी आ सकता है। ये जो एरिथमिया है इसके वजह से स्ट्रोक का रिस्क 5 times बढ़ता है, इसीलिए इसको नियंत्रित करना या इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। इसके इलाज में 2 प्रकार के रहता है, एक तो आप एरिथमिया जो हो रहा है एट्रियल फिब्रिलेशन, आज बेसिकली अपन एट्रियल फिब्रिलेशन पे ही चर्चा करेंगे, तो एट्रियल फिब्रिलेशन पे हार्ट बीटिंग को अपने को एक तो रिस्टोर करना है यानी बैक टू नॉर्मल, या फिर खून पतला करने की दवा देनी है जिससे अपना स्ट्रोक प्रिवेंट हो। तो ये जो है सिर्फ दवाई से ही हो जाता है या कोई सर्जरी का भी इसमें कुछ पार्ट आता है? तो जैसे हमने आपको बताया कि बेसिकली एक तो हार्ट बीटिंग को रिस्टोर करना है, या फिर दूसरा खून पतला करने की दवा अपने को लाइफ लॉन्ग लेनी है जिस तरीके से अपने को स्ट्रोक ना हो। और विश्व की बात करें तो 30 लाख से अधिक लोगों को एट्रियल फिब्रिलेशन के वजह से वर्ल्ड वाइड स्ट्रोक होता है 1 साल के अंदर। तो कुछ दवाइयाँ आती है या कुछ अपने को जब मालूम पड़ता है कि पेशेंट को अभी ये एबनॉर्मलिटी चालू हुई है, तो दवाई से वो कंट्रोल करके अपन रिस्टोर कर सकते हैं हार्ट बीटिंग को दवाई के माध्यम से। जब डॉक्टर को लगता है कि नहीं अभी हार्ट बीटिंग रिस्टोर नहीं होता है, तो अपने को लाइफ लॉन्ग खून पतला करने की दवा लेनी पड़ेगी। आज वर्ल्ड हार्ट रिदम वीक के अवसर पर आपको जो चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उनको क्या एक संदेश आप चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे? अगर आपकी महसूस हो रहा है कि दिल की धड़कन तेज हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि आपको चलने के बाद में पाल्पिटेशंस हो रहे हैं, आपको चलने के बाद में या फिर आप बैठे बैठे आपको चक्कर आ रहा है, आप चक्कर यानी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है, या कभी आप अनजाने में चक्कर आके गिर गए हो, तो आपने इमिजिएटली आपके डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए। अगर आपकी ECG में कोई एबनॉर्मलिटी हो जिसमें आपके डॉक्टर ने आपको बताया है कि आपको एट्रियल फिब्रिलेशन है, तो आपने कार्डियोलॉजिस्ट से जाके सलाह लेनी चाहिए, और जो कार्डियोलॉजिस्ट आपको बताएगा कि आपको ये दवाइयाँ ज़रूरी है, खून पतला करने की दवा लेना ज़रूरी है, तो यू शुड गो एंड टेक इट, बिकॉज 68% रिडक्शन कैन बी डन विथ दिस एंटीकोएगुलेंट मेडिकेशंस। अगर हम RS हॉस्पिटल सेंटर की बात करें तो यहाँ पे हृदय संबंधित कौन कौन सी व्याधियों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं? RS हॉस्पिटल में सारी प्रकार की हार्ट की जांच होती है और सारी तरह की सेवाएं उपलब्ध है। यहाँ पे हम लोग ECG, 2D को हॉल्टर टेस्ट, उसके बाद में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर्स, जिन लोगों को हार्ट की एबनॉर्मलिटी है उनमें ICD, ये सारी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं।